Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग मुझे क्वेश्चंस बताएं, मैं वो सॉल्व करता हूं, ताकि जिस चीज में भी, जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आपको क्लियर हो जाए और आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। क्योंकि याद रखें, आपको जो है वो इस फ्राइडे को जमा करवाना है होमवर्क के लिए कॉपीज, ठीक है? तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे बताया गया था, -30x^10 y^8 अपॉन -5x^3 y^2 इसके ऊपर power 2, ठीक है? तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीजें उनको देखना शुरू करो। क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन दोबारा से कॉपी कर लें। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस का है, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अब इसके यहां प्लस आएगा। अब देखिए यहां पे नंबर कौन कौन से, ये कोएफिशिएंट आपके पास 30 है और नीचे ये 5 है, ठीक है? ये और ये। अब आप देखें इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 5 है। अब देखिए 5 का टेबल पढ़ना शुरू करें, क्या 30 आता है 5 के टेबल में? अगर आता है, ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये 5 1 5, ठीक है, और 5 6 30। देखिए ऊपर और नीचे वही के उसी टेबल से कैंसिल होंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन होगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो ये 5 1 5 हो गया और ये 5 6 30। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, इसको दोबारा लिख देंगे जो आपके पास आया हो, ठीक है? अब आपके पास ये 2 है, ये जो स्क्वायर है ये इस पूरे ब्रैकेट में है, तो क्या होगा, ये हर एक चीज पे स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर खत्म करेंगे वहां से, तो ये 6 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, x^10 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, y^8 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में भी जितनी चीजें उनके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, x^3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, y^2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, हर यहां से स्क्वायर खत्म करके एक हर एक के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। x^10 के ऊपर power 2, मैंने आपको क्या बताया था, पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई होगी, तो 10 के ऊपर x^10 के ऊपर power 2, 10 × 2 क्या हो जाएगा, 20। फिर ये y^8 उसके ऊपर power 2, तो ये क्या हो जाएगा, y^16, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी। फिर x^3 के ऊपर power 2, x^ क्या हो जाएगी, 6। फिर y^2 के ऊपर power 2, y^4, ठीक है स्टूडेंट्स? अब आप देख रहे हैं तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपके पास क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उसको न्यूमिनेटर में ले जाना होगा, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर्स माइनस में चले जाएंगे, ये वैसे ही का वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही का वैसे ही रहेगा, ठीक है? जब ये ऊपर गए हैं तो क्या हो गया, x^6 माइनस के साथ, y^4 माइनस के साथ, ठीक है, साइन चेंज हो गए इनके। अब क्या हो जाएगा, जो सेम वेरिएबल्स हैं आप उनको एक साथ लिख लें, 36x^20 -6 और y^16 और ये -4,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 36, 20 माइनस 6 क्या हो जाएगा 14, और y की पावर 16 माइनस 4 हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मुझे जो एक और क्वेश्चन मिला है ग्रुप पे उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला एक जो सवाल जो बताया बोला गया करवाने के लिए सॉल्व कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें पावर माइनस 2 में और क्या है यहाँ पे कोई भी जो है वो वेरिएबल सेम नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि ये जो पावर माइनस 2 है वो हर एक इंडिविजुअल पे आ जाएगी, मतलब a की पावर माइनस 2, a स्क्वायर की पावर माइनस 2, b की पावर माइनस 2। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? अब क्या डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 2, c की पावर माइनस 2, d की पावर माइनस 2। ठीक है, अब मुझे समझ में आया आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम हुई है इसमें। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि कोई भी चीज न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा। अब आप देख रहे हैं इन सब की पावर माइनस 2 हो गई है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको कि इनकी पावर प्लस में होनी चाहिए। तो क्या कर देंगे, इन सबको जो न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर है वो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में ले जाएंगे। इनसे क्या होगा, इनकी साइन चेंज हो जाएगी। अब ये देखें आप, आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में 8 पावर माइनस 2 था, वो आप नीचे ले गए तो इसकी पावर जो है वो प्लस में हो गई। फिर उसके बाद ये a की पावर 2 था और उसके ऊपर पावर माइनस 2 थी, ये प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, d की पावर कुछ भी नहीं थी, ये माइनस 2 था और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव थे, जो नेगेटिव थे वो डिनोमिनेटर, सॉरी यहां पे गलती हो गई, ये b था सॉरी न्यूमरेटर। अब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में ले जाऊंगा मैं, 3 की पावर 2, ये c न्यूमरेटर में चला गया, इसकी पावर 2 ये हो जाएगा और d इसकी पावर भी 2। देखिए न्यूमरेटर से जो सामान लेके आया हूं मैं डिनोमिनेटर में वो जो उसकी साइन चेंज हो गई, और डिनोमिनेटर से जो सामान लेके गया न्यूमरेटर में उसकी साइन चेंज हो गई। अब बहुत इजी है, जैसे आप करते हैं वैसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, सी की पावर 2, सी डी की पावर 2। अब आप देखें 8 की पावर 2 का मतलब 8 8 64, ए की पावर 2 के ऊपर पावर 2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी ए पावर 4, और बी की पावर आपके पास सिर्फ 2 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको क्लियर हो गई, आंसर आपके पास आ गया 9c² d² / 64 a² 4 और b की पावर 2, ये आपके पास सिंपल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अगर और फिजिक्स का भी कोई क्वेश्चन या मैथ का क्वेश्चन और कोई कहते तो वो भी सॉल्व कर लेता, लेकिन आप लोगों को शायद सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही लेक्चर है। और एक बात और बता दूं मैं, फिजिक्स मैथ और उर्दू इस्लामियत और उर्दू इस्लामियत के जरूर होमवर्क चेक कराने के लिए फ्राइडे को जरूर लाए भिजवाएं कॉपीज ताकि वो चेक हो सके, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज जो 2 है पूरी की पूरी वो फिनिश कर दूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।